मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरके सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी पार्ट वन देखे हैं, जिसमें 50 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल कंसेप्ट एंड हाउ ट्रिक के साथ मैंने क्लियर कर दिया। जो विद्यार्थी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और आपको पता होगा कि इस वॉल्यूम वन के पहले मैं आपको वॉल्यूम टू पढ़ा चुका हूं 2700। इसलिए पढ़ाया था क्योंकि 2700 में कैलकुलेशन और क्वेश्चन बहुत सारे घुमावदार थे, क्योंकि 2700 बनाने के बाद 3200 बनाने में आपको मजा आ रहा होगा और आगे भी आते रहेगा। तो इस 2700 का भी सॉल्यूशन आप अभी से ही एक एक वीडियो डेली, जो विद्यार्थी नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप देखते चलिए, ताकि जो नहीं किया 2700 उनका 3200 और 2700 दोनों साथ में खत्म हो जाए, 6000 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरा हुआ रहेगा, तो आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइएगा। और जिस तरीका से आपका सहयोग बना हुआ, आप अपने दोस्तों को आप शेयर कर रहे हैं, उसी प्रकार से आगे भी शेयर करते रहें। और आपका लाइक अधिक से अधिक जो आता है और कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि कोई परेशानी तो आप कमेंट जरूर करें। देखते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से किसके बजाय 24 के बजाय 42 पढ़ दिया, मतलब सही 24 होने थे उसके बजाय 42 पढ़ दिया, मैंने गलती 42 हुआ है यहाँ पे। बस क्वेश्चन को समझना है तोड़ के, गलती से 24 के बजाय 42, मतलब सही होना चाहिए 24 और गलत पढ़ लिया गया 42, तब कितना कम पढ़ा, तब बोलिया कि सर 24 पढ़ना चाहिए 42 पढ़ लिया गया, इसका मतलब यह हुआ कि 18 अधिक पढ़ लिया, अधिक पढ़ लिया। मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं आपको समझने के लिए। एकदम एक लाइन में इस प्रकार के क्वेश्चन बनता है, ये स्पेशल टाइप है, एवरेज में मेरे असाइनमेंट में भी उपलब्ध है, जिस प्रकार से रेशियो स्टार्ट किया हूं सारे चैप्टर उसी प्रकार से मैं खत्म करूंगा, ये आपको पता है। तो जो भी नए विद्यार्थी होंगे उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि मैथ का एकदम मजबूत तैयारी हो उनका। तो यहाँ पे इस टाइप में देखिए आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि गलती से दूसरा संख्या के बदले दूसरा संख्या लिख दे, तो ऐसा स्थिति में गलती से कम लिख दिया है तो पहले वाला औसत में ही प्लस कर देंगे, और अधिक लिख दिया गलती से तो माइनस कर देंगे। ज्यादा बुक के नियम से बनाने की जरूरत नहीं है कि योगफल निकाले, सीधा हम यहीं पे निकाल देते हैं कि सही औसत क्या है। यही तो हम लोग से पूछ रहा है कि सही माध्य क्या है, तो जो पहले से दे रहे हैं पहले से माध्य क्या है, तो बोलिए कि सर 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य 15.5 है, पहले से 15.5, लेकिन 15.5 कब है, जब 24 को 42 लिख दिया था, 18 अधिक ना लिख दिया था, तो सुधारने के लिए 18 घटाएंगे, लेकिन जो भी घटेगा उस सब में बटेगा, औसत का मतलब ये होता बराबर बराबर भागों में बटना। तो बोले सर सब में मतलब कई गो, तो 20 निरीक्षण है 20 में बटेगा, तो जितना बढ़ जाए गलती से उतना कम करके टोटल से भाग, उसी में सुधारना है, जो पहले से माध्य है उसी में, और जितना कम जाए उतना प्लस करके टोटल से भाग। तो यहाँ टोटल कई निरीक्षण था, 20 गो था, 20 निरीक्षण, 20 संख्या, 20 राशि जो भी बोलिए, तो 20 से भाग दे दे, काटिए 20 से काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 0.20 15 में से 0.9 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो बोलिए सर ये तो 5 है ये 9 है, यानी आप कह सकते हैं एक पैसा ले लिया तो हो गया 15 में से 9 घटेगा 6, और ये कितना बच जाएगा 14.6 बचना चाहिए, यही आपका सही माध्य होना चाहिए, 14.6 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, करा उन मूलधन का पता लगाया जिसका साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 9 महीने में कितना हो जाता है 1 है। बहुत सारे विद्यार्थी डर जाए कि 9 महीने में, तो दिक्कत क्या है भाई, ब्याज साधारण ब्याज एसआई होता है दर गुना समय, दर है 8 समय है 9, लेकिन ये महीना में है, लेकिन साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक ही होता है, तो इसलिए इसको वर्ष में बदल देंगे, 12 महीने मतलब 1 वर्ष, 3 × 9 = 12, 4 × 2 = 8, तो साधारण ब्याज 6 हो गया। आप बोल रहे हो कि साधारण ब्याज 6 हो रहा है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि साधारण ब्याज 1000 हो रहा है, तो साधारण ब्याज यहाँ क्या उस मूलधन का पता लगाएं जिसका साधारण ब्याज 8% महीने में 1000 रुपया, 1000 रुपया हो जाता है, मतलब एक तरीका से आप कह सकते हैं कि ये मिश्र धन हो गया, यहाँ पे कितना है 6, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको 106 से तुलना कर देंगे,
और मूल राशि का पता लगाएं तो सौ से हो जाता है, मतलब इस में तो दिक्कत क्या है, दशमलव में ही आ जाएगा, ये काट दो, 53 दुनी 106, 50 दुनी 100, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 50,000 और बटा 53, 53 से काटता हूं, जरा ध्यान देना, 53 से कई बार में लगेगा, तो बोले सर 8-9 बार में हो जाएगा, 10 बार में तो ज्यादा हो जाएगा है ना, तो 10 बार में हो जाएगा हम लोग का 530, इसलिए 9 बार लगेगा। अब 9 बार लगा दिए, अब ऑप्शन देखिए, 9 तो दो ऑप्शन में है, बी में है और सी में, तो अगला बार में पता चल ही जाएगा, 9 बार लगाए हैं तो कितना, 9 × 27 के साथ बचा कितना, तो बच गया 2 × 45 = 47, 477, 500 × 477 घटेगा तो बचे कितना, तो 23, 23 पर एक सुनना दे देंगे, इबला उतरेगा तो हो गया 230। अब 53 से कई बार, तो बोले सर अब 53 से लगेगा 4 बार, क्योंकि 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार लगाते हैं तो हो गया कितना, 9-4, अब ऑप्शन से मिला लिया 9-4, एक ही ऑप्शन 9-4, 3.40, थोड़ा कैलकुलेशन लेनी था, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड लगाए तो 1 से 2 अंक आप ऑप्शन देखते चले तो 1 से 2 अंक जाते जाते आपका आंसर आ ही जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया 943.40 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, कर 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी, उसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत, एकदम स्पेशल टाइप, जब आप मेरा रेशियो का पढ़िएगा सीरीज, रेशियो में स्टार्ट कर चुका, लगभग लास्ट होने वाला है, फिर उसका नवीन और महेश मिश्र बुक भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें स्पेशल एक टाइप मिश्रण वाला में ये वाला बताया, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन परसेंटेज वाला, कहता 5 लीटर के मिश्र, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में, अब चीनी है तो उसमें पानी भी होगा, 6% चीनी है, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, 6% चीनी मतलब 94% पानी होगा, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, भाप बन के उड़ गए तो पानी उड़ रहा है, तो चीनी से हम करेंगे तो बोल रहा है शेष में चीनी कितना, तो पहला में चीनी और दूसरा में चीनी आपस में बराबर, पहला में चीनी बोल रहा है पहले 6% है, तो किसका, 5 लीटर मिश्रण है उसका 6% चीनी है, 1 लीटर भाप बन गया, तो 5 लीटर में 1 लीटर भापे बन गया तो बचा कई लीटर, 4 लीटर, तब बोल रहा है आलू कई परसेंट है, तो x परसेंट काट दिए, परसेंट से परसेंट, 2 × 4, 3 × 6, एक्स बराबर हो जाएगा 15/2, अब आंसर कैसे दिया है, तो 2 से भागा दीजिए, 7.5% होना चाहिए, मतलब भाग बनने के बाद जो शेष बचा उसमें 7.5%, बिल्कुल एक लाइन में रेशियो वाला वो देख लीजिए, तो फिर ये सब क्वेश्चन तो छूटेगा ही, 7.5% ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कहता है ए और बी के वेतन का योग, ए और बी के वेतन का योग, दोनों के वेतन का योग कितना है, तो वो है 25,000, ठीक है, वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, वे मतलब दोनों, आप दोनों तो उनकी बचत का अनुपात 14:11 है, 14:11 है, अब सोचिए दोनों वेतन का 75% खर्च करते हैं तो दोनों बचत कितना करते होंगे, 75% खर्च करते हैं तो बचत कितना करते होंगे, 25%, लेकिन वेतन का योग दे रहे, देखिए जब समान खर्च करे तो वेतन का रेशियो ही बचत का रेशियो, बचत का रेशियो ही वेतन का रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे बचत का अनुपात है, आप बोलिए नहीं सर हमको वेतन का अनुपात है, तो निकालिए क्या दिक्कत है, यहाँ बचत कर रहा है 14, इसके अनुसार बचत 25, क्योंकि 75 तो खर्च, तो 14 यानी बचत की तुलना बचत से वेतन निकालना है 100 से, फिर 11 ये भी तो अपने आप में कोई भी राशि 100% यहाँ खर्च कर रहा है 25, तो बचत कितना खर्च कर रहा है 75, बचत 25, यहाँ बचत 11, वेतन निकालना है 100 से, यानी 25 25 से 11, ये 100 100 कट गया, 14:11 ही हो जाएगा, कहने का मतलब समान रूप से कर रहा है तो दोनों का रेशियो सेम ही होगा, यहाँ वेतन हो गया टोटल 25,000, यहाँ दोनों का वेतन जोड़ेंगे ये वेतन का रेशियो निकल गया काट के, 14 11 25 ही हो जाएगा, निकालना क्या है, तो बोला है रुपये में उनके वेतन का पता, उनके मतलब दोनों का, तो एक बार 14 से कर दो, एक बार 11 से कर दो, 25 से 1000 बार में कट गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया 14,000 and 11,000, उनके वेतन जो हो जाएंगे 14,000 11,000, ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस काम को पूरा करने में कितना दिन, मिस और बात का मास्टर वीडियो जरूर देखिए, जितना बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल मैंने बताया है, मास्टर वीडियो वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बस लेफ्ट राइट बराबर करना, 10 पुरुष किसी काम को 8 दिन में, तो बोल रहा है 15 पुरुष उसी काम को कई दिन में, डी दिन में, एक्स दिन में, वाई दिन में, काटिए 5 × 10 5 × 15, डी बराबर हो जाएगा 8 × 16/3,
आप 16 बटा 3 को भागा दीजिएगा पॉइंट में ऑप्शन देगा तो 3 5 15 बच गया 1 3 3 9 फिर बच गया 1 3 3 9 फिर तो आप इतना करते ही रहिए हमेशा तो यही आंसर मार दीजिए 5.33 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 देख लो सिंपल है क्या कह रहा है यदि नंबर 3 है 6 है 7 है उसके बाद क्या है x है फिर 11 है फिर 15 है फिर क्या है 19 है 20 है 25 है और 28 है यही ना उनका उसके बाद क्या था आरोही क्रम में ठीक है भाई आरोही मतलब बढ़ते क्रम में उनकी माध्य 15 है तो x का मान क्या है तो दिक्कत क्या है 3 है 6 है फिर 7 है तो इस प्रकार से तो हम लोग का क्या हो रहा है कि यहां पे देख रहे हैं हम लोग का x का मान इसका माध्य 15 है अब आरोही क्रम में रहे बढ़ते क्रम उसे क्या माध्य बराबर हम सभी जानते हैं कि योग बटा संख्या ही होता है योग बटा संख्या बराबर कितना है तो दिया हुआ है कितना 15 अब जरा देख लो भाई योग तो जोड़ते हैं 3 6 9 7 16 पहले संख्या को जोड़ते हैं 16 11 27 27 में 15 जोड़ो 27 15 42 42 में 19 जोड़ो तो 42 में आप 19 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 42 और 19 हो जाएगा 61 61 और 20 81 81 और 25 106 106 और 28 134 और प्लस में ये वाला x योगफल बटा संख्या कितना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और बराबर कितना 15 अब तिरछा गुना कर दो 134 प्लस x बराबर 15 देंगे 150 134 उधर जाके घट जाएगा तो x बराबर जब 150 में 134 घटेगा तो बचेगा कितना तो बोलिए सर 16 बचेगा यानी फाइनली हम लोग का आंसर हो गया 16 x का मान होना चाहिए 16 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97 देख लो कहता है 198 और 78 का HCF ज्ञात करें 2 अंकों की 2 यहां 57 देखा हूं 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल 21 60 है तो उसका लसा 180 है संख्याएं ज्ञात करें आपको पता होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 21 60 उनका लसा दिया हुआ और वे संख्याएं ज्ञात करें आपको पता होना चाहिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल LCM एंड HCF के गुणनफल के बराबर होता है ये लगभग सेट में क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल हो रहा है तो यहां 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2160 ठीक है उनका लसा कितना है 180 और मसा मान लेते हैं x काट देते हैं 0 से 0 18 के 18 18 2 36 तो x बराबर 12 हो गया यानी हम कह सकते हैं कि HCF हो गया 12 और LCM हो गया कितना LCM तो 180 दिया हुआ अब ऑप्शन से ही चल दो ना भाई किसका LCM 180 हो रहा है और HCF 12 HCF मतलब दोनों 12 कर जाना चाहिए बोलिए कि सर जी पहला ऑप्शन तो हो ही रहा है 12 LCM नहीं 12 नहीं हो रहा 30 है तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया 36 और 60 में 12 हो रहा है 36 और 60 का LCM भी आपका 180 हो ही जाए है ना बाकी और कोई मिला लीजिए मेरे ख्याल से नहीं होगा तो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन से भी 36 एंड 60 देख लीजिए 36 एंड 60 का HCF 12 हो जाएगा 12 36 12 50 60 LCM निकालिए 180 आ जाएगा LCM मतलब बहुत छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए तो हम लोग क्या किया पहले HCF निकालिए फिर ऑप्शन से चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58 बहुत इजी क्वेश्चन सिर्फ आपको HCF ज्ञात करना है 198 एंड 78 का न कुछ बुझाता है ना तो ऑप्शन से ही देख लो नहीं तो छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ सकते हैं आप इसको हम लिख सकते हैं 13 3 39 78 यही ना तोड़ सकते हैं फिर इसको क्या तोड़ सकते हैं 6 से 6 3 18 33 गुना 3 और गुना 2 ये तोड़ सकते हैं तो आप जरा गौर करिए इसको तो आप 11 3 33 लिख सकते हैं यहां से यहां में कॉमन क्या तो बोले सर 3 2 6 3 2 6 तो कुछ कॉमन ही नहीं जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है तो HCM हो गया HCF हो गया हम लोग का 6 ऑप्शन से मिला लीजिए 6 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 देख लो कार्य परीक्षा 25 सवाल है प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक काट दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं यदि सीमा ने 4 अंक दिए जाते हैं गलत के लिए 2 अंक काटे जाते हैं
70 अंक प्राप्त किए उसके कितने सवाल सही, बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट क्वेश्चन। और इसको मैंने आपको जो रेशियो का सीरीज में पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज, उसमें गाय मुर्गा संबंधित एक स्पेशल मैंने टाइप बनाया है गाय मुर्गा संबंधित, उसमें पीडीएफ भी है प्लस 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या, उसमें इस प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन है, एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और गाय मुर्गा ऐसा नियम है जिससे रिलेटेड सभी चैप्टर का क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी देखिए चैप्टर वाइज भी टाइम जिनके पास है वो निकाल के देखते चले ताकि मैथ बहुत मजबूत हो, यदि बन जाता है तब ठीक है। कहता है परीक्षा में 25 सवाल है, अब निश्चित है 25 में कुछ सही होगा कुछ गलत, ठीक है कुछ सही, सही बनाइए तो 4 अंक मिलेगा, मिलेगा मतलब प्लस, पूरा कंसेप्ट मैंने उस वीडियो में बताया, गलत बताइए तो 2 अंक कटेगा, कटेगा मैंने माइनस, आपको कुल 70 अंक प्राप्त हुआ है मतलब प्लस। पूछ क्या रहा है कितने सही थे, गाय मुर्गा में पढ़ना है कि जब दो अलग अलग समूह का एक ही परिणाम दिया रहा है, जब मिला के 70 दिया हुआ है तो जिसे ज्ञात करना है टोटल को उसके विपरीत मानो, ज्ञात करना है सही तो टोटल को मानो गलत, ज्ञात करना रहता है तो गाय तो टोटल को मुर्गा, तो ज्ञात करना है सही टोटल को मानेंगे गलत, एक गलत में 2 माइनस, तो 25 को आप गलत मान लिए तो 50 माइनस में ना चल जाओगे, अब यहाँ 50 माइनस सही 70 प्लस, आपको बहुत बार बता चुके हैं वो प्लस है वो माइनस रहे अंतर करिएगा तो जुट जाएगा, तो यहाँ अंतर हो गया 120 का। तो गाय मुर्गा का नियम है दो अलग अलग समूह का परिणाम दिया रहे और किसी एक को ज्ञात करना टोटल को उसके विपरीत मानिए, आप परिणाम प्राप्त किया और जो दिया हुआ उसका अंतर की तुलना मूल अंतर से, यहाँ 120 का अंतर क्योंकि प्लस में ही माइनस में घटा गया, 70 में से माइनस 50 घटेगा वो अपना प्लस हो गया, यहाँ 120 का अंतर यहाँ मूल अंतर 4 प्लस में 2 माइनस में, यहाँ भी जुड़ जाएगा 6 बिछा के 20 से, यानी कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया गया 20, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस लेफ्ट राइट करना है, बाई ज्ञात करें, बाई प्लस 1/3 प्लस बाई प्लस 2/5 बराबर 3, ऐसा करते हैं ना एलसीएम 15 हो गया, 5 से इधर गुना 5 बाई प्लस 5 ठीक है, 3 से इधर गुना 3 बाई प्लस 6 बराबर 3, तिरछा गुना होगा 5 बाई 3 बाई 5 3 8 बाई प्लस 5 6 11, आई उधर जाके तिरछा गुना होगा 15 3 45 11 जाके उधर घटेगा, लेफ्ट राइट आप जितना फास्ट करो, तो 8 बाई बराबर 45 में से 11 घटाइए तो आएगा 34 ठीक है, अब इसको काट देते हैं 4 × 8 17 × 34 दैट मींस बाई बराबर हो जाएगा 17/4, 17 में 4 से भाग दिया 4 × 4 = 16, बचा कितना 8, तो पॉइंट देंगे 4 × 8 फिर 4 × 5 = 20, यानी 4.25 बाई का मान आएगा 4.25 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देख लो, क्वेश्चन देखने में तो बड़ा है लेकिन इजी बनेगा, जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89, यदि उसने भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए तो औसत घटकर हो जाता है कितना 88.25, भाषा में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, सिंपल बात है भाई, यहां देख लीजिए तीन विषय में आप दो तरीके अपना सकते हैं, तीन विषय का उसका औसत है कितना 89 और एक भाषा भी जुट गया तो 4 विषय हो गया, तो 4 विषय का औसत उसका हो गया 88.25, तो बोला ये जो जुटा है भाषा इसमें वो कितना लाया, तो आपके पास एक तरीका तो यही है कि आप 4 को इससे गुना करके 3 को इससे गुना करके घटा दो, ठीक है, या तो आप इसको लेके चल सकते हो 89 और वो आया जिसके कारण क्या हो गया कम गया, तो कितना कम गया उसको आने से किसी को शामिल होने से कम ही हो तो कम लेके आएगा 0.75, लेकिन ऐसा ऐसा कई होता 3 को था 1 हो गया 4 को, तो 4 × 0.75 का गुना करो, ये 4 से गुना करोगे 4×5 = 20 के 0 4×7 = 28 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी फाइनली 3 की कमी होगा, ठीक है ना, तो 89 में 3 के कमी होगा तो बचेगा कितना 86, ये तरीका अपना सकते हो, किसी को आने से कमी हो तो आने वाला पहला औसत से कम होता है, तो पहला औसत हम उठा लिए 89 उसे कम, कितना कम तो एगो में देखिए ना कितना कम 0.75 की कमी एगो में, लेकिन ऐसा ऐसा 3 को तो पहले एगो और है पूरे औसत में, तो 4 से गुना करके घटा दी, यदि वृद्धि होता तो जोड़ देते, या तो फिर 4 × 3 × 3 घटा दीजिए, आंसर तो आपका यही आएगा 86 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ तो लंबा लंबा है लेकिन देखिए, अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के कोने पर खड़ी, एक आयत का आयताकार खेत है जिसका चौड़ाई है 30 मीटर और लंबाई कितना है 40 मीटर, यहाँ पर एक अंकिता खड़ी है, ठीक है मतलब यहाँ पे ऐसे खड़ी है, आप बोल रहा है क्या
यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती, अंकिता द्वारा कुल तय की गई विकर्ण के साथ दौड़ी, विकर्ण इसी को कहेंगे, फिर वापस भी आ गई, गई और फिर वापस भी आ गई तो दूरी, तो बोले कि सर विकर्ण निकाल के दुगना कर देंगे, तो ये 30 है, ये 40 है, तो ये 50 हो गए, इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3, 4, 5 पाइथागोरस, बार बार मैं बताता हूं आपको, ये 50 मीटर हो गया, तो 50 गई और फिर 50 आया, तो तय दूरी बराबर कितना हो गया, तो बोले सर 50 × 100 यानी कि कै मीटर तय की अंकिता, 100 मीटर। ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देख लो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 63 देख लो, लिखा हुआ लैंग्वेज में लंबा, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। चलो भाई गुणनफल, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाए तो 5/3 आता है, सबसे छोटी दिक्कत क्या है, विभाजित किया तो 5/3 यानी दोनों संख्याओं का रेशियो हो गया 5/3 बटा को रेशियो, लेकिन जब गुणनफल होना था कुछ ना कुछ निश्चित राशि होना चाहिए, इन्हें कि आप गुणा करके तुलना कर दो तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणनफल हो दिया हुआ है 375, आप गुणनफल 5x और 3x बराबर 375 काटो, 5 × 5 = 35 और 5×5 = 25, 3 × 25 = 75, तो x² = 25, तो x = 5, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, लेकिन x निकालना नहीं है, निकालना हम लोग को क्या है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 25 होगा, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 15 हो गया, यानी 1 × 25 = 15, पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का पता लगा, तो छोटी संख्या आपको कौन नजर आ रहा है, 15, यदि बड़ी संख्या पूछता तो क्या आप कौन वाला हो जाता, 25, तो हम लोग आंसर हो गया 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देख लो, कह रहा है कि हाँ निम्न में से एकदम भिन्न कौन है, मतलब कि डिफरेंट चुनना है, तो दिक्कत क्या है, 15/20 लगता है, काट क्या रहा है, 5 × 15 = 25, 3/4 है, फिर आ जाओ 48/60, आपको लिखना नहीं, आपको ऐसे पता चल जाएगा, 12 × 48 = 12×5 = 60, उसके बाद कितना है 21/28, 21 × 7 = 28, 3, अब तो ऐसे लग रहा है यही डिफरेंट होगा, दो तो मिल ही गया, 75/100, 75 × 100, सबसे डिफरेंट हो गया 48/60, ऑप्शन से मिला लो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देख लो, अब लिखा हुआ तो लंबा क्वेश्चन है, एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री श्रम और अतिरिक्त खर्च में बांटा गया है, रेशियो का क्वेश्चन, सामग्री श्रम और अतिरिक्त खर्च, ठीक है, अब अतिरिक्त खर्च में बांटा गया है और इसका अनुपात दिया गया है 5, 3 और 1, यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपया और यहाँ अतिरिक्त खर्च कितना है, तो बोले सर 1, रेशियो का नियम है, जो दिया हुआ उसे तुलना अतिरिक्त खर्च की तुलना अतिरिक्त खर्च से, पूछ रहा है मशीनरी के मूल्य का पता है, तो मूल्य टोटल होता है, मूल्य मतलब टोटल जो खर्चा सामग्री हो गया, श्रम हो गया, अतिरिक्त, टोटल मिला के मशीनरी तैयार होता है, तो पूरा मूल्य टोटल जोड़ा जाता है, तो 5, 3, 8, 8, 1, 9, तो 9 से गुना, अब क्या है गुना है तो करना है 0, 0, 9 × 45 = 5 = 4, 9 × 81 = 4, 85 × 5 = 8, फिर 9 × 36 = 8, 44 × 4 = 4, 9 × 4 = 13, यही आपका आंसर हो गया, यहाँ देख लीजिए आप 13,45,500 होना चाहिए मशीनरी का मूल्य, 13,45,500 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 से लेके आपको देखना है 68 तक रेगुलर, 66 से 68 जरा ध्यान दीजिए, 66 से 68 रेगुलर एक टेबल दिया गया है, प्रातांक 0 से 10 वाले विद्यार्थी कितना है 5, 11 से 20 वाले विद्यार्थी हैं 9, मैं लिख ही देता हूं थोड़ा समय, 0 से 10 वाले विद्यार्थी हैं 5, 11 से 20 लाने वाले विद्यार्थी कितना है 9, उसके बाद में 21 से 30 लाने वाले विद्यार्थी कितना है 16, उसके बाद में 31 से 40 लाने वाले विद्यार्थी कितना है तो ये है 22, उसके बाद में 41 से 50 लाने वाले विद्यार्थी कितना है तो ये है हम लोग का 41 से 50 वाले 26, और फिर 51 से 60 लाने वाले विद्यार्थी हैं 18, और भी नीचे लिख देता हूं मैं उधर क्वेश्चन भी आपको, तो यहां देख लीजिए 61 से 70 लाने वाले विद्यार्थी की संख्या है, 61 से 70 लाने वाले 11 है, 61 से 80 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या
71 से 80 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 6 है। फिर 81 से 90 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है और फिर 91 से 100 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। देखिए ग्राफ आपको दिख भी रहा है, यहां भी मैंने क्लियर कर लिया ताकि आपको समझाने में समय मतलब कि इजी वे में समझ में आए पार्टिकुलरली एकदम सिंपल। देखिए 66, देखिए यहीं पे सारा का सॉल्यूशन कर दूंगा। 66 यदि उत्तीर्ण प्रतिशत था 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, माने उत्तीर्ण के लिए कितना चाहिए? उत्तीर्ण के लिए चाहिए 41%, मतलब 41 नंबर, चूंकि 100 तक यहां पर देख लीजिए 100 तक है यानी 100 में 41% 41 उत्तीर्ण होने के लिए 41 चाहिए। तो बोला है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण, तो प्रतिशत की गणना टोटल पर होता है। पहले हम लोग टोटल विद्यार्थी गिन ले, तो टोटल विद्यार्थी गिनिएगा 5, 9, 14, 16, 30, 22, 52, 26, 78, 78, 78 और 18, 96, 11, 107, 106, 13, 13, 17, 3, 20 यानी 120। तो 120 नीचे आज इसमें अनुत्तीर्ण फेल के विद्यार्थी, तो बोले सर 41 लाना जरूरी है पास होने के लिए, तो जो 41 से नीचे है फेल है, तो 41 से नीचे मतलब 30 से 40 तक, मतलब इधर वाला 41 से उधर तो बाद ही है, तो इधर वाला सब फेल है, तो कहेगा 22, 16 कितना 38, 22 और 16 कितना हो जाएगा 38, 38 और 9 कितना हो जाएगा 47, और 5 कितना हो जाएगा 52। लेकिन 52% नहीं होगा, 52 संख्या है, इसे प्रतिशत में बदलना है, तो टोटल 120 नीचे, 52 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। बहुत सारे विद्यार्थी 52 आंसर मार देंगे क्योंकि 52 आ रहा है जोड़ के, लेकिन प्रतिशत में 120 नीचे, 52 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से, काटिए 10 से 10 काटेंगे, 4 से 13 चौके 52 और 4 से 4 तिहाई 12, फाइनली हम लोग का 130/3 आया, 3 से भागा देंगे 3 चौका 12, बचा 1, 3 तिहाई 9, फिर बचा 1, फिर 3 तिहाई 9, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो लगभग में 43% दिया है, आप ऑप्शन से मिला सकते हैं, 43% दिया हुआ आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 आपका टेबल ऊपर दिख रहा है, यहां भी मैंने लिख दिया है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त। बोले अरे सर टोटल विद्यार्थी 120 है, आप जोड़ो ना नीचे वाला, टोटल विद्यार्थी 120 नीचे 80 से ज्यादा, तो यहां से जुड़ेंगे 81 से, 80 ज्यादा मतलब 81 से, तो 4, 3, 7 विद्यार्थी, लेकिन परसेंट निकालना है, तो 7 ऊपर 120 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, काटेंगे, काट देते हैं 20 से 25, 100 6 के 20 से, यानी कि 35/6, 6 से भागा देंगे तो 6 5 30 और दशमलव बच गया 5 पर 0 तो 50 हो जाएगा, 6 8 48, तो 5.8 ऑप्शन से मिलाइए, 5.8 दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में, 8 कुछ आएगा लेकिन लगभग में आंसर वही 5.8 दिया हुआ, आप मिलाइए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 भी इसी का भाग है, आप देख रहे हैं टोटल टेबल दिया हुआ है, कह रहे हैं उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या जिन्होंने 41 से 70 के बीच, फिर प्रतिशत पूछ रहा है, 120 नीचे लिख दें, प्रतिशत की गणना टोटल विद्यार्थी पर, टोटल विद्यार्थी आप गिन लो 120 ही आएगा, ठीक है ना, 120 नीचे, और क्या पूछ रहा है 71 हम लोग का कितना से 41 से 71 के बीच, तो 41 से 71 के बीच माने 41 के बाद से, तो 26, 18 और 11 यही हो जाएगा 41 से 71 के बीच, माने 41 से ऊपर 71 से नीचे, तो 26, 18 और 11 जोड़िए, तो बोले सर 26 और जब 18 जोड़ेंगे तो 44 होगा, 44 में 11 जोड़ेंगे तो 55 होगा, तो 55 जोड़ दिए, परसेंट निकालना है 100, अब क्या काटना है, तो काट दो 25 से 20 से काटेंगे 25 100 6 के 120, उसके बाद काट देते हैं हम लोग 25 के 5 बच गया 2 25 2 27 275/6 6 से काट देता हूं भाई 6 चौका 24 बच गया 3 तो 35 हो गया, 35 हो गया तो 6 5 30 फिर बच गया 5 0 तो 6 48 45.8 आ रहा है, ऑप्शन से मिला लीजिए, आपका दिया हुआ है 45.8 ऑप्शन नंबर बी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आपको समझ में आएंगे, बस रेगुलरिटी पर खड़ा रखना और जिस प्रॉब्लम में आपको दिक्कत है उसको दोबारा देख भी लेना है और 2-3 बार बना भी लेना है तो क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है गिराने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% वृद्धि होती है, वर्तमान मूल्य 60 लाख है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी, सिंपल क्वेश्चन, 60 लाख वर्तमान मूल्य है ना, 6 पर 6 0 15% वृद्धि हो रहा है, तो 100 में जोड़ दो 115/100 फिर 115/100 अब काट दो जैसे आपको बुझाता है, 5 से 23 25 23 25 25 1 0 से 2 0 2 0 कट गया और 2
दुनी चार चार सही कट जाएगा, 15 चौके 60 आई वाला 3 सुना बच गया 1 2 3। अब क्या है भाई, ये होता है आपका 529 होता है ना 23 का स्क्वायर। अब गुना कर दो 0 0 0 3 सुना 15 9 135 के 5 बचा 13, 15 2 30 13 43 के 3 बचा 4, 15 5 75 और 4 जो होता है वो 79 होता है। फाइनली हम लोग का यही आंसर होगा 79,35,000 आंसर मिला सकते हैं 79,35,000 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 तो सिंपल दशमलव का क्वेश्चन है 0.00030825 भाग मतलब बटा 0.05 ठीक है ना। तो बोलिए कि सर जी 2 अंक के बाद नीचे है ऊपर 6 अंक के बाद है, ई वाला काट के हम 2 अंक घसका देते हैं इसको, क्लियर है 2 अंक के बाद तो 4 अंक के बाद बचेगा, लेकिन यहां पे आप 5 से हम काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 0 तो रहेगा ही, 5 इकाई 5 उसके बाद में देखिए 3 जाएगा 5 6 30 2 जाएगा 5 5 25 तो 0.0165 हम लोग का आंसर होना चाहिए, 0.0165 दिया हुआ है ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 ट्रिगोनोमेट्री का इजी क्वेश्चन, क्या कह रहा है तो बोल रहा है कॉसेक थीटा गुना टैन थीटा और भागा है कॉस थीटा। चलो भाई भागा कॉस थीटा है तो दिक्कत क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा गुना, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा क्योंकि भागा नहीं तो नीचे चला जाए, तो कह रहे साइन से साइन कट गया बच गया 1 बटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर या स्क्वायर हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही आंसर दिया, हाँ ऐसे ही दिया 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में होना चाहिए ए पर पावर -2 -1 और भागा है तो हम बटा कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस वन, क्लियर। अब ऐसा करते हैं हम लोग इसको ना ये -2 है तो इसको 1 बटा a स्क्वायर लिख सकते हैं -1 और बटा में a स्क्वायर -1 तो ये रहेगा ही, ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, क्लियर। तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो गया 1 - a स्क्वायर, क्लियर। बोलिया कि सर यहाँ पे यदि हम लोग देखें इसको नीचे तो ये है a स्क्वायर -1 तो a स्क्वायर -1, क्लियर। अब इसको लिख सकते हैं 1 - a स्क्वायर नीचे नीचे आएगा तो नीचे ही गुना हो जाएगा इसमें क्योंकि बटा में 1 है तो उल्टेंगे तो देखिए मैं कर देता हूं यहाँ पे ए स्क्वायर उल्टेंगे तो हो जाएगा 1 बटा इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी बन जाएगा 1 - a स्क्वायर। देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी उलट जाएगा। तो बोले ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये कट जाएगा 1 - a स्क्वायर कट गया बच गया ऊपर 1 और नीचे में ए स्क्वायर लेकिन ये माइनस भी तो रह जाएगा तो -1 बटा a स्क्वायर हो जाएगा ऑप्शन से मिला लो -1 बटा a स्क्वायर। माइनस नीचे दो चाहे ऊपर दो क्या फर्क पड़ता है, ऑप्शन में है -1 बटा a स्क्वायर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 रूट में दिया हुआ है सरल रूट में लिखे तो क्या दिक्कत है, रूट से बाहर निकालो √50 + √18 - √8 इसको हम लिख सकते हैं 25 × 2 इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2 इसको लिख सकते हैं 4 × 2 ये 25 बाहर निकलेगा अंदर में √2 + √3 √2 - √2 अब 5 × 3 = √8 √2 बचे घटेगा तो बचे कितना 6√2 हम लोग का सरल करके आंसर आ गया 6√2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 6 है। देखिए पिछला वॉल्यूम 2 में बहुत सारा क्वेश्चन देखिए विकर्ण इसका 8 और 6 है, ये 8 मान लिया 6 है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद होगा बचपन से ही 7-8 क्लास से ही कि 1/2 अगुना विकर्णों का गुणनफल यानी d1 × d2 तो 1/2 × 8 × 6 2 से कोई काट दिया 3 × 2 = 6 8 = 24 फाइनली हम लोग का जो आंसर आएगा इसका विकर्ण का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देख लो करा यदि रीना 12 मोबाइल फोन कितना में 188,160 में 12 मोबाइल फोन बेचती है जिसका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फोन है उसे कितना रुपया का लाभ होगा।
अरे दिक्कत क्या है भाई, ये विक्रय मूल्य हो गया ना, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि बोर्ड आपसे कुल लाभ, तब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, लाभ निकल जाएगा। लेकिन पार्टी फोन कैसे खरीदा था? 14,056। काय फोन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो बोले सर 12 फोन, तो 12 से गुना कर दो, अब गुना करके घटा दीजिए, 12×6=72 के दो, बचा कितना 7, 12×5=60 और 7×67 के साथ बचा 6, 12×0=6, 12×48 के साथ बचा 4, 12×12 और 4 16, अब क्या घटा दो लाभ, ये 0 है, 10 बन जाएगा, 10 में से 2 घटेगा 8, ऑप्शन से मिलाते चलिए, हो सकता है एक आई ऑप्शन में 8 है, दो ऑप्शन में, ये पैसा ले लेते हैं, 5 बचा, 5 में 7 नहीं जाएगा, 15 में 7 गया 8, अंतिम है 88, तो अंतिम में 88 तो एक ही ऑप्शन में है, 19,488, नहीं तो घटा ही दो आप, ये बच गया कितना, तो बोले सर 0, यानी 10 में से 6 घटेगा तो फिर कितना बचेगा 4, अब तो पता चल गया 19,488 है दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, मिला सकते हैं आप ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, थोड़ा जटिल टाइप का कैलकुलेशन है, सरल करें, 2 पूर्णांक 1/3 माइनस 1 पूर्णांक 1/2 ऑफ, ऑफ माने क्या होता है, का 3/5 प्लस 1 पूर्णांक 2/5 भाग 2 पूर्णांक 1/3, पहले ऑफ वाला काम होता है, लेकिन इधर पहले भागा है तो पहले भागा वाला काम हम लोग इधर करेंगे, तो दिक्कत क्या है, इसको चेंज कर देते हैं पहले ना, इसको क्या कर लेते हैं, इसको घटा देते हैं पहले, देखिए 3×2=6 और 1=7, तो ये कितना हो जाएगा 7/3 और माइनस जो कह दो 3/2, तो फाइनली हो गया 6, 7×14, 3×3=9, 14 में देखिए 7×14 इधर जाएगा, 3×3=9, 14 में से 9 घटेगा 5/6 आ गया, ऑफ, ऑफ माने का 3/5 काट दीजिए, 5 से 5 कट गया, 3×2=6, फाइनली इधर वाला भाग जो कुछ नहीं, ऊपर में 1 बचा, नीचे में 2, 1/2 प्लस, अब इधर वाला भाग आई, 5×5=7/5 और भागा 3×2=6, 1/7/3, लेकिन जब गुना करेंगे तो 3 ऊपर 7 नीचे चला जाएगा, 7 से 7 काटेंगे, फाइनली बचा 3/5, यही बचा, अब इसको जोड़ेंगे 5 और 2 इधर बच गया 1/2, इधर बच गया 3/5, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 2 का एलसीएम 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5×5=5, 10 में 5 से भाग देंगे तो बचेगा 2×3×6=6, 5×1=11, फाइनली हम लोग आंसर होना चाहिए 11/10, इसको आप भाग दे सकते हैं, तो 10 का 10 बचा 1, यानी 1 पूर्णांक 1/10 होना चाहिए, ऑप्शन से मिला है, बस सिर्फ कैलकुलेशन इग्नोर भी आपको एक को नहीं करना है, नहीं तो कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ा जाएगा आपका एग्जाम में, हम लोग का आंसर हो गया 1 पूर्णांक 1/10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देख लो, सिंपल क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात है 3, 5, 9, 13, हम सभी जानते हैं चतुर्भुज कोई भी हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जबकि त्रिभुज का 180, तो यहाँ 360 डिग्री योग हो गया कोणों का योग, यहाँ 5×3=8, 8×9=17, 17×13=30, क्लियर, तो योग की तुलना योग से सबसे बड़ा कोण तो 13 से काट दो भाई, 1 × 0=1, 12×3=36, 12×13 करोगे ना तो 156 डिग्री आ जाएगा, आप गुना कर सकते हैं, ऑप्शन से मिला लीजिए, 156 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देख लो, करा x एक आभास संख्या है, तो x और इसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, क्रमिक संख्याओं का, तो यदि x एक आभास संख्या है तो इसका क्रमिक संख्या जो हो जाएगा x+1, अब कोई भी संख्या रहे, हम सभी जानते हैं कि 2 का कैसनो लगातार रहे, क्रमिक रहे, 2 अभाज्य संख्याओं का पूछ कर रहा है हम लोग का एलसीएम, एलसीएम हमेशा गुणनफल होता है, यहां पे एक वीवीआई कांसेप्ट में क्लियर कर देता हूं, एलसीएम हमेशा गुणनफल होता है, 2 सहभाज्य या अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा गुणनफल होता है, जबकि एचसीएफ जो होता है हमेशा एक होता है, तो यहां पे अभाज्य बोल ही दिया है, तो हम लोग को निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा गुणनफल, माने x×x+1, तो इसी को आंसर लिख दीजिए, x×x+1, जैसे भी ऑप्शन दिया है मिला लीजिए, x×x+1 ही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ऑप्शन x×x+1 दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 80 देख लो क्या कह रहा है। स्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिन में, चार दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों छोड़ दिया, काम का कितना हिस्सा बाकी है। सिंपल है भाई, अस्मिता, स्मिता कितना, तो स्मिता कई दिन में कर सकती है 12 दिन में, और सैम उसी काम को कर सकती है कई दिन में, तो 9 दिन में। सबसे पहले हम सभी जानते हैं टाइम वर्क में क्षमता निकालते हैं, क्षमता समय को उल्टा, 9 इधर 12 इधर, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, ऊपर वाला नहीं करना, किसी को लेकर चलेंगे 36 काम होगा। देखिए 12 तिहाई 36 या 9 चौके 36, बोल क्या रहा है, चार दिनों तक एक साथ काम किया तो शेष कितना हिस्सा बाकी, तो एक साथ तो 3 और 4 7, चार दिन करेगा 7 चौके 28, तो 28 काम हुआ, 36 में 28 काम हुआ, तो शेष काम कितना बाकी है, तो बोले सर 8 बाकी है, लेकिन भाग पूछ रहा है, भाग या परसेंटेज की गणना टोटल पर होता है, तो 8 बाकी है, कितना में 8, 36 में, तो 36 नीचे काट दीजिए, 4 × 8 9 चौका 36, यानी 2/9 भाग या 2/9 हिस्सा अभी भी बाकी है। ऑप्शन से मिलाइए, 2/9 दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, बहुत आसान क्वेश्चन। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है, यदि इसमें अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत एक बढ़ जाता है, अध्यापक की आयु क्या है। एकदम एवरेज का बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा टाइप पढ़ना है, मेरे असाइनमेंट में भी अलग से क्वेश्चन, जब कोई नया व्यक्ति सामने और वृद्धि हो जाए तो वह औसत से अधिक होता है। एकदम एक लाइन में, किताब का नियम नहीं जानी, देखिए एक लाइन में बताता हूँ, एकदम अध्यापक डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, अध्यापक को शामिल होने से औसत बढ़ गया, तो अध्यापक के औसत जो होगा पहले वाला औसत से ज्यादा होगा, क्योंकि औसत का मतलब हिस्सा होता है, जब तक कोई ज्यादा नहीं लेके हमें शामिल होगा तो बढ़ेगा कैसे, तो पहले से औसत कितना था, तो बोले सर 22 है, 22 से अधिक होगा, तो अधिक कितना के वृद्धि हुआ, तो बोलिया कि सर एगो में तो एक वर्ष की, मतलब औसत बढ़ना मतलब एक वर्ष की वृद्धि, एक बढ़ना मतलब एक वर्ष की वृद्धि टोटल में, तो एक में वृद्धि हुआ है एक, यहाँ 27 को विद्यार्थी एगो टीचर शामिल, 28 में एक अंक बढ़ेगा, तो 28 × 1 28 हो गया, 28 और 22 मिला के 50, यानी कि जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, जो गुरुजी हैं, उनका आयु हो गया 50 वर्ष, ऑप्शन से मिला सकते हैं आप 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन, पिछला जो वॉल्यूम 2 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले थे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालने का सबसे आसान ट्रिक, किताब से चलेगा बहुत लंबा ले जाएगा, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। एक चीज और जानिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य जिस भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें छूट और लाभ जरूर रहेगा, एकदम कंफर्म है, गारंटी है छूट और लाभ। तो जब 100 में से छूट को घटा दोगे ना, छूट के मतलब ही घटाना होता, तो वो राशि क्रय मूल्य हो जाएगा, और 100 में से 100 में लाभ को, लाभ के मतलब ही होता है जोड़ना, लाभ मतलब कुल, तो वो राशि अंकित मूल्य ही होगा। जब रेशियो निकल जाएगा तो कितना ज्यादा कितना कम सब पता चल जाएगा, तो कभी कभी रेशियो भी पूछता है। तो यहाँ पे बोला है अंकित मूल्य पर 20% छूट, तो छूट घटा दिया 80 हो गया क्रय मूल्य, 12% लाभ, तो 112 हो गया अंकित मूल्य। तो बोला है बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक, क्रय मूल्य से तो 80 नीचे, कितना अधिक है, बोले सर 80 है 112 है, 32% निकालना है 100 से, काट दो 100 से 100, 8 × 32 कै परसेंट अधिक, 40% अधिक। एकदम एक लाइन में निकाले हैं कि छूट को घटा दोगे ना, मेरा प्रॉफिट लॉस का लास्ट जो टाइप है ना, 30 क्वेश्चन इसी टाइप का दिया, क्योंकि एसएससी हो या रेलवे हो कोई ऐसा आपको शिफ्ट ही नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सीधा याद रखना है, कोई भी राशि अपने आप में 100% छूट के मतलब घटाना होता, कम कर देंगे तो क्रय मूल्य, जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो निकल गया, पूछा अंकित मूल्य कितना अधिक है, किससे, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 80 नीचे, कितना अधिक है 32 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से, 40% अधिक, ऑप्शन से आप मिला सकते हैं 40%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, बस कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ मान पुट करना है, और आपको मैं बार बार बोलता हूं कि 0 से 90 तक सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान याद रहना चाहिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, क्लियर, प्लस नीचे लिख रहा हूं हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री है माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री है प्लस 1/24 है, इसका मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं भाई, देख लो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/4 होगा, गुणा
cos 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर ही तो है, प्लस 4 गुना इनटू है tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस यहां पे फिर हाफ हो गया, sin 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2, cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है, और प्लस 1/24, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/4 * 8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 ये तो 0 ही हो गया, खत्म हो जाएगा, प्लस 1/24, फाइनली सब प्लस वाला बच गया, आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, 8 * 3 = 24 का एलसीएम 24, क्लियर, अब हम सभी जानते हैं मेन का जोड़ नीचे वाला से भाग ऊपर वाला से गुणा, तो यहां 24 में 8 से भाग, 8 * 3 = 24 देने का है, लिख देता हूं, 24 में 3 से भाग 8, 8 * 4 = 32, 24 में 2 से भाग 12 का है 12, 24 में 24 से भाग 1, अब जोड़ते हैं 32 और 12 45 45 और सॉरी यहां पे 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे हम लोग का आंसर होना चाहिए, फिर से ये 8 * 3 = 24, 3 * 3 = 3 हो गया, 3 से भाग दें 8 * 4 = 32 हो गया, और ये कितना हो गया 12 * 12 और 1 तो 32 और 3 35 और 1 36 36 * 48 हो गया, कितना हो गया 48, 48 में 24 से भाग दो 24 * 48, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ले लिया था, फिर से जोड़ दिए 32 * 3 = 35 * 12 = 47 * 48 = 24, हम लोग का कार्ड उठ गया, सिर्फ मान पुट करना था, देखिए बराबर बनाते रहिए तो कॉन्फिडेंस लेवल कैलकुलेशन का बड़ा हो रहा है, कैलकुलेशन में तो आप पीछे रह गए ही नहीं, तो हम लोग का आंसर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देख लो, सरल करें तो करो 81x² - 49y² / 9x + 7y, इसको हम लिख सकते हैं 9x² और इसको लिख सकते हैं 7y² a² - b² बराबर होता है a + b * a - b, तो 9x - 7y * 9x + 7y, नीचे भी ये वाला है ये 9x + 7y कट जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो गया 9x - 7y, ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, तो आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा, बल्लेबाज 1 और बल्लेबाज 2 दिया हुआ, 7 मैचों में 2 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन नीचे देखें, तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर था, तो आप जानते हैं औसत बराबर योगफल बटा संख्या, ऊपर वाला जोड़ दिए 42 = 51 9 = 78 63 = 20 और 12, 7 से भाग दीजिए, फिर नीचे वाला जोड़ के 7 से भाग दीजिए, जो ज्यादा रहेगा उसका औसत बेहतर होगा, आपको इसका आंसर कमेंट में देना, बहुत सिंपल है, बस जोड़ के 7 से भाग देना, क्लियर, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, जरूर आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देख लो, अजर एक यात्रा 10 घंटे पूरी कर सकता है, आधी यात्रा 21 की चाल से तय करता है, बाकी बची तो आधी तय किया तो बाकी बची हुई आधी बचा 24 की चाल से, तो बोलता है क्या तय की गई कुल दूरी क्या है, जब आप मेरा आप देखिएगा टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो, तो उसमें मैंने स्पेशल औसत चाल करके एक टाइप पढ़ाया है, उसमें मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चन मैंने एंट्री किया है, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं, तो कहता है आधी दूरी, देखिए आधी दूरी का शेष अब आधा बचा, आधी आधी दूरी कितना कितना के चाल से, तो शुरू में गया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, टोटल समय लिया है 10 घंटा, अब हम सभी जानते हैं पूछ रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, लेकिन मैंने वहां पे क्लियर किया और यहां भी मैं आपको बता दूं कि जब एक से अधिक चाल है ना तो वहां औसत चाल लगता है, और जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल हम सभी जानते हैं 2xy / x + y, तो x हो गया 21, y हो गया 24, x प्लस y 24 से 21 45, ये पूरा चाल और गुना समय का घंटा 10 घंटा, काटेंगे इसको, यही हम लोग से पूछ रहा है कि कुल दूरी क्या है, काटिए तो बोले सर 5 से तो ये कट रहा है 9 * 5 = 45, 2 * 5 = 10, अब 3 से ये कटेगा, देखिए 3 से इसको हम काटेंगे तो 7 * 21, 3 * 9, फिर 3 * 8 = 24, अब गुना करेंगे 7 * 2 = 14 है ना, 14 * 8 = 112 / 112 = 224, जैसे आपको गुना करना हो फास्ट भी कर लो, फाइनली उसके द्वारा तय किया गया कुल दूरी हो गया 224 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देख लो, एक कैंप 180 विद्यार्थी के पास 20 दिन के लिए राशन है, यदि राशन 25 दिन तक चला तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर जाना पड़ेगा, सिंपल है भाई 180 विद्यार्थी रहेगा तो 20 दिन चलेगा, कितना चला जाए मतलब 180 - x / z कुछ भी, तब जाके 25 दिन
कहता है पची यदि राशन 25 दिन तक चला है तो गुना 25, यहां 20 दिन तक चला तो कितना चला गया, तो x जितना जाएगा उतना घटेगा, काट दो, काटेंगे हम लोग 5 चौका 20, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 36 पचे 180, 36 चौका 144, 144 उधर जाके घटेगा, x इधर आएगा, यानी 180 माइनस 144 बचेगा कितना 36। फाइनली कितने लोग को छोड़ के जाना होगा, 36 लोगों को कैंप छोड़कर जाना होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देख लो। एक छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या भी एक पूर्ण वर्ग ही होना चाहिए, तो क्या बोल रहा है, 15 और 14 के वर्गों के योग में क्या जोड़ें कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। पहले कर लेते हैं इसको, 15 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 225, 14 के स्क्वायर 196, पहले इसको ना जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 1 बचा कितना 1, 9 और 2 11 1, 12 के 2 बचा कितना 1, तो 1 2 और 1 3, ठीक है ना, 2 1 3 और 1 बकिया 4, यानी कि 421 है। 421 के बाद पूर्ण वर्ग कौन संख्या होता है, तो बोलिए कि सर 20 का स्क्वायर 400 होता, फिर 21 के तो 441 होता, तो इसके बाद तो फिर अब 441 है ना पूर्ण वर्ग होगा, ये आपको सोचना है कि 421 के बाद तो 441 ही पूर्ण वर्ग होगा, और तो बीच में कोई पूर्ण वर्ग होगा नहीं, तो बताइए 421 से 441 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 20 जोड़ना पड़ेगा, यही तो बोल रहा है कि कितना जोड़े कि दोनों का योग में कितना जोड़े कि पुनः पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम लोग को 20 जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन से मिला सकते हैं आप, 20 जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देख लो, कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई के 5/2 गुना है, तो त्रिभुज की लंबाई यहाँ पे काट दीजिए, त्रिभुज आयत कर दीजिए, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंबाई चौड़ाई नहीं होता, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का 5/2 है, तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो, लंबाई चौड़ाई का लगा चौड़ाई में जिसमें का लगता है नीचे वाला, चौड़ाई 2 लंबाई 5, ठीक है, रेशियो निकल गया। आप परिमाप कितना है 28 है, हम सभी जानते हैं भाई कि परिमाप जो होता है वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, अब बराबर ही दिया हुआ 28 है, तो 14 × 28 यानी लंबाई चौड़ाई का योग हो गया 14, अब लंबाई चौड़ाई का योग 14, यहाँ कितना 7, योग की तुलना योग से, लंबाई निकालना है 5 से, चौड़ाई निकालना है 2 से, 7 × 14 5 × 10 2 × 4 यानी कि लंबाई हो जाएगा 10, चौड़ाई हो जाएगा 4, ऑप्शन से मिला ये 10 और 4 दिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देख लो, गीता का वजन 11.235 केजी है, गीता का वजन 11.235 केजी है, उसके वाहन का वजन उसके वजन का 1.4 है, तो दोनों का कुल वजन क्या हुआ, सिंपल है भाई, गीता है और वाहन है, तो उसके वाहन का वजन उससे 1.4, माने गीता को 1 मानेंगे तो 1.4 मानना पड़ेगा इसको, क्लियर, तो यहां पे कह रहा है क्या कि गीता का वजन दिया, उसके वाहन का वजन उसके वजन क्या बड़ा, तो दोनों का कुल वजन क्या हो, तो आप चाहें तो इसको रेशियो और काट के छोटा कर सकते हैं, या तो फिर इतना ही रहने दे सकते हैं कि चलो भाई इतना ही हो गया, इसका कुल वजन की तुलना 2.4 से जोड़िए कि ना करिएगा, और निकालना उसकी सॉरी गीता का वजन कितना 1 है, तो इसकी तुलना 1 से, कुल वजन निकालना है तो जोड़ दीजिए 2.4 से गुना, 1 × 1.4 2.4, अब क्या है गुना कर दो, फिर दशमलव देखते रहना, 24 5 120 के 0 बच गया 12, 24 3 72 12 84 4 है ना, 4 बचा कितना 8, 24 2 48 8, 56 6 बचा 5, 24 5 24 और 5, 29 9 बचा 2, 24 5 24 और 2 26, और उसके बाद में कहेंगे बाद दशमलव, तो 3 और 1 4, 1 2 3 4, यानी कि फाइनली हम लोग का आंसर होना चाहिए 26.964, ऑप्शन मिला है 26.964, बाद वाला 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 26.964 केजी, दो ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है 26.964 केजी और डी में दिया हुआ है 26.964 केजी, तो जो पहले वो मार दीजिए आंसर, बाकी क्या दिया आंसर वो अलग बात है, लेकिन 26.964 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 91 से 93, डायग्राम एक बना लूंगा, इसी से हम लोग का टोटल क्वेश्चन 91 से 93 बन जाएगा। 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं, 90 में 80 पसंद करते हैं, तो नहीं पसंद करने वाला कितना है,
90 में 80 जो है टोटल 90 हो गया, एकदम पहले समझ जाइए 80 जो है पसंद करता है बर्गर या पिज्जा, तो नहीं पसंद करता करता होगा 10 मिला दिए इसको। अब आइए बहुत बस एक बार समझना है इसको, कह रहा है क्या 62 बर्गर और 56 पिज्जा। बर्गर वाले भाई साहब कितने हैं तो 62, पिज्जा वाले कितने हैं तो 56। तो पहले डायग्राम बना, डायग्राम तो 80 का ही बनेगा। बोले क्यों सर, क्योंकि पसंद करने वाले का डायग्राम आप बना रहे हैं, 90 में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं, केवल 80, तो 80 तो यहां देख लीजिए ई वाला वृत्त 62 का है, एकदम बढ़िया समझे, समझ में आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत मिलने वाला है, क्लियर हो जाए पूरा 62 80 में ही 62 तो ये कितना बोले सर 18 ये पूरा 62। अब यहां देखिए ये पूरा गोला 56 है, ठीक है ना, 56 है। अब 56 में ई 18 है तो ई कितना होगा, तब बोले कि सर ई 18 है तो ई हो जाएगा 38, नहीं तो आप मिला सकते हैं 38 18 56, क्लियर। अभी पूरा 62 में ई 38 है तो ई कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए हम लोग का 24, आप मिला सकते हो 24 और 38 मिलाइए तो 62 हो जाएगा। देखिए अब यहां पे सब एडजस्ट हो गया, फिर से ये पूरा गोला 62 है, 24 और 38 जोड़िए 62 हो जाएगा, पूरा गोला 56 है 38 18 जोड़िए 56 हो जाएगा, अब पूरा मिला के 80 होना चाहिए तो जोड़ सकते हैं आप, ये हो गया 24 38 62 18 80। 80 ही पसंद करता, नहीं पसंद करने वाला तो पता चलेगा कि 90 में 80 पसंद। आप फटाफट आंसर मार दीजिए, देखिए 91 का आंसर मार रहा है, क्या है तो 91 में है करा बर्गर, कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं 38, 91 का आंसर हो गया 38, दोनों मतलब बीच ये हो गया 91। 92 देख लीजिए, 92 का आंसर क्या है, कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं, तो बोलिए कि सर कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं, तो वो केवल पिज्जा पसंद करता होगा, तो केवल पिज्जा पसंद करने वाला 18, तो जो जो केवल पिज्जा पसंद करता हो तो बर्गर नहीं पसंद करता हो, लेकिन 10 विद्यार्थी आ भी तो है जो दोनों में से कुछ को नहीं पसंद करता, तो जो कुछ भी नहीं पसंद करता वो भी तो बर्गर नहीं पसंद करता होगा, तो यहाँ पे 10 और जुड़ जाएगा, यानी बर्गर नहीं पसंद करने वाले का संख्या कितना हो जाना चाहिए 28। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे धोखा खाते हैं कि 18 मार देते हैं आंसर, लेकिन 10 विद्यार्थी और जो कुछ को नहीं पसंद करता वो भी बर्गर नहीं पसंद करता होगा, तो हम लोग का आंसर हो गया 28, ये हो गया 92। उसके बाद देख लो आप 93 कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों ही पसंद नहीं करते, बर्गर और पिज्जा दोनों ही नहीं पसंद करने वाला, तो सूर्य में आंसर ले आए थे 10। कह रहा है कितने विद्यार्थी बर्गर पिज्जा दोनों ही नहीं पसंद करते हैं, तो हम लोग का आंसर हो गया 10, यानी मिलाइए आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, तो तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं, इसलिए कंसल्टेट होकर देखिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूं, लेकिन इतना क्वेश्चन है मिलेगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आसान भी। एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है, अब ऑप्शन में तो सबका 10 है, 4 6 10, 6 4 10, 1 9 10, 2 8 10, सब है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए, मतलब दाएं की जगह इकाई, इकाई की जगह दाएं, तो इसका मान 18 बढ़ जाता। ऑप्शन से आओ, सिंपल क्वेश्चन है, पहला कितना कितना है 46, इसको जब उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 64, देखिए तो 6 घटाते 14 में 6 गया 8, 5 में 4 गया 1, यही तो 18 पड़ गया, तो यही तो आंसर हो गया, पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो गया 46, अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हो गया 46 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देख लो, 95 में क्या है, दो क्रमागत छूट 12% 5% के समतुल्य बटा क्या है, 12% 5% छूट। देखिए जब x% और y% का छूट हो तो इसका समतुल्य छूट या समतुल्य बटा या एकल बटा जो भी उसको कहिए वो होता है x प्लस y माइनस x y बटा 100, ये ध्यान रखें। तो बोले सर 12 प्लस 5 माइनस 12 गुने 5 बटा 100, 12 पचे 60 होगा ना, 100 से 100 10 से भाग देंगे तो 0.6 कितना 12 और 5 17 में 0.6 घटेगा, तो घटा दीजिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 17 में 0.6 घटेगा तो 16.4, ऑप्शन से मिला लीजिए एकल बटा होगा 16.4%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 देख लो, कहता है एक समबाहु त्रिभुज एबीसीडी में डी एफ क्रम से ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु, एकदम देख लीजिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होता है,
अब कह रहा है इसका मध्य बिंदु है डी है, इसका मध्य बिंदु ई है और फिर एफ है, मध्य बिंदु डी एफ, ए बी बी सी ए सी के मध्य बिंदु है, ओ ए बी के डी है और यहां पर ई है और यहां पे एफ है, ठीक है, ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु। तो चतुर्भुज बी ई एफ डी क्या होगा, बी ई एफ डी, बी ई एफ डी, अच्छा ये तो समांतर या सम चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि देखिए भुजा बराबर हो तो ये मध्य बिंदु भी आपस में बराबर हो जाएंगे, जब बराबर हो गया तो ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, इसको आप सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज कह सकते हो। तो समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ऑप्शन से मिला लो, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेशियो का बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है 13,680 एक राशि तीन भागों में इस प्रकार व्यक्त किया कि पहला भाग तीसरे भाग का, तो पहला तीसरा का रेशियो 3:5, क्योंकि 3/5 बोला, और क्या बोला दूसरे और तीसरे का रेशियो, पहला भाग तीसरे भाग का है और दूसरे तीसरे का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया 4:7। अब आप रेशियो मेरा पढ़ रहे होंगे, उसमें मैंने रेशियो निकालने का बहुत बारीकी तरीका बताया था, सजाने की कोई जरूरत ही नहीं है, पहला दूसरा तीसरा निकल जाए, कॉमन तीसरा है, ऊपर में तीसरा 5 है, नीचे में 7 है, अब जो ज्ञात करना है ऊपर में तो नीचे वाला कॉमन से, नीचे में तो ऊपर वाला कॉमन से, कभी नहीं गलती हो, पहला ऊपर में 3 है कॉमन तीसरा है तो नीचे वाला तीसरा 7 या 21, दूसरा नीचे में 4, 4×5 20, तीसरा तो कॉमन ही है 7×5 35 हो गया, और क्या टोटल है 13,680, यहां टोटल जोड़ो 35, 20, 55, 21, 76, टोटल की तुलना टोटल से निकालना क्या है, तो बोल रहा है क्या कि निकालिए पहला भाग, तो 21 काट दो 76 से तो कट ही जाना चाहिए, कई बार में कट जाएगा नहीं कुछ बुझा रहा है, तो 4 से काट दो ना, 4 से 19 चौका 76, 4 से 4 12, 1 4 16, 4 2 8 0, अब तो पता चल गया 19 से काटेंगे, तो 19 से काटेंगे तो 19 से खाए 19 बचा कितना, तो बोले सर 11 4 15 19 60 52 से 180 बार में कट गया, अब काटेंगे 0 21 60 168 बचा 16 21 16 37, फाइनली हम लोग का पहला भाग हुआ 37 रुपया 80 37 80, ऑप्शन से मिला सकते हैं हम लोग 37 80 दिया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, फिर से रेशियो का इस्तेमाल, एक में धातु में सोने और चांदी का भार का अनुपात, देख लो सोना और चांदी में भार का अनुपात कितना है, तो 17:3 है, यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन, बोले सर 2.7 चांदी है, रेशियो में चांदी 3 है, सोना पूछ रहा है तो सोना से रेशियो का सबसे आसान है, काट दीजिए 9 3 27 17 9 153, काहे के बाद 0.1 अंक, दशमलव से नहीं डालना बल्कि पहले कैलकुलेशन कर लो उसके बाद, यानी 15.3 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए, कह रहा है 5 कारों का क्रयमूल 4 कारों के विक्रयमूल के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत आपको लाभ हानि बताया गया, क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो निकाल लो, जितना का क्रयमूल बोल रहा है उलट के विक्रयमूल की तरफ, क्योंकि बराबर हो तो कोएफिशिएंट उलट जाता, तो बोल कह रहा है 5 कारों का क्रयमूल तो बन जाएगा विक्रयमूल, और 4 कारों का विक्रयमूल तो बन गया क्रयमूल, तो यहां पे तो हर हाल में लाभ ही होगा, तो लेकिन लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रयमूल गुना 100, कितना लाभ हो रहा है 1, क्रयमूल कितना 4 गुना 100, काट दो भाई 25%, कै परसेंट 25% का लाभ होगा, ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 और आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो इसमें 100 से 102 है लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे 100 ही बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर 101 का 2 बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से दोबारा यही वाला आपका जो टेबल है 2005 2006 2007 8 9 में उत्पादन टन में 325 438 ऐसे करके दिया हुआ, तो 100 में बोल रहा है 2005 से 2009 का औसत ज्ञात करें, तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या, तो अब करना क्या है आपको, तो जोड़ दीजिएगा और क्या करिएगा, 325 + 438 + 429 + 495 + 495 और इसको भाग दे दीजिएगा 2, 2, 4 और 1, 5 से, इतना तो आप कर ही सकते हो,
जोड़ के आपको भाग देना है फटाक से, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बाकी इसका जो अगला एक दो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपने देखा कि बहुत ही कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। आपका लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा है तो मैं और इसकी संख्या बढ़ा दूंगा। चूंकि देखें आप तैयारी करना, कंपटीशन एक जंग के समान, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप सोचोगे कि ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा टाइम लग रहा है, समय तो आपको इस्तेमाल करना ही है। अभी तो आप फुर्सत में ज्यादा ज्यादा जितना कंटेंट उपलब्ध करा जाए आप उसको यूज करते जाइए ताकि एग्जाम तक फुल तैयारी हो जाए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। फिर से मैं बोलूंगा आपका लाइक कमेंट पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। जितना दोस्त है प्लीज सबको शेयर करें। मैं लगातार जो भी आपका मांगे मैं धीरे धीरे सारा स्टार्ट कर दूंगा और लगातार अवेलेबल होते रहेगा। और जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। बेस्ट ऑफ लक।